बिस्मिल्लाह रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर मोहम्मद अमजद नूर कहते हैं। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और यूरोलॉजिस्ट के साथ जो सब स्पेशलिटी मैंने चूज़ की और उसको आज कोई 15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, वो इनफर्टिलिटी है, जो कि एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है हमारे माशरे में कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हुए घबराते हैं, उसकी वजह चाहे कुछ भी हो। मगर जिस तरह और बीमारियों के मुतल्लिक हम बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं अपने घर में अपने डॉक्टर के साथ और आपस में, तो मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम के हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा ओपन होना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें खुल के सामने आती हैं तो इसका इलाज कुछ आसान हो जाता है। जहाँ तक हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो ये पहले कहना चाहिए कि जब तक कोई अवेयरनेस, अब तो मीडिया की वजह से और बहुत सारी दूसरी चीज़ों की वजह से अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है, मगर शुरू के बहुत अरसे तक ये लोगों के जहन में ख्याल था कि बच्चे नहीं हो रहे तो उसका सारा दारोमदार औरत के ऊपर है। मगर अब जिस तरह वक्त के साथ साथ चीज़ें क्लियर होती चली गई हैं, तो उसके अंदर अगर कोई बच्चा नहीं हो रहा तो उसके अंदर मर्द और औरत दोनों के अंदर कोई भी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उस कपल को फेस करनी पड़ती है। और जहाँ तक औरत का इन्वेस्टिगेशन या उसका मुआयना और उसकी मुआयने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो होनी चाहिए, इसी तरीके से मर्द का भी बहुत ज़रूरी है। और हमें एज ए डॉक्टर या एज ए सिविल सोसाइटी इस चीज़ को प्रोवोक करना चाहिए, इस चीज़ को हमें इन्फोर्स करना चाहिए कि जब इस किस्म की प्रॉब्लम हो तो दोनों मेल और फीमेल अपना इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि WHO भी कहता है कि 40% जो इश्यूज होते हैं वो फीमेल में होते हैं और 40% मेल में होते हैं, और 20% जो होता है वो कंबाइन प्रॉब्लम होता है मेल और फीमेल में। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और मर्द के हवाले से जो बेसिक टेस्ट है, जिसको हम उर्दू में मादा तौलीद या कह सकता हूँ पश्तो में तुखम कहते हैं और अंग्रेजी में सीमेन एनालिसिस कहते हैं, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो हमें एक डायरेक्शन देता है कि हम खड़े कहाँ हैं और हमने आगे करना क्या है, और उसके हवाले से मर्द को थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हमारे फिजिशियन डॉक्टर्स या जो मेल इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इस चीज़ को इन्फोर्स करना चाहिए कि ये टेस्ट कब, कहाँ और किस तरीके से और कहाँ से होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो हम लेबॉरेटरी के अंदर माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं वो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होता है, कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हैं, तो इसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या स्पेशली जो एक्सरे माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसके अंदर जब हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। और एक्सरे माइक्रोस्कोप जिस तरह हमारा सेंटर है कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर, तो आइडियली ये सीमेन एनालिसिस उन सेंटर्स में होना चाहिए जहाँ पे ये फैसिलिटी जिस तरह हमारा सेंटर है वहाँ अवेलेबल हो। इस टेस्ट को करने के डिफरेंट तरीक़ाकार भी हैं जिसके ऊपर मेरी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस भी हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते भी हैं कि उसको किस तरह देना चाहिए, सेंटर्स में देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे लेबॉरेटरीज हैं वहाँ पे टॉयलेट्स के अंदर जो ये सैंपल दिया जाता है वो जो कि नॉन फिजियोलॉजिकल बहुत ज़्यादा है। तो एक्सी सेंटर का दूसरा फायदा होता है कि वहाँ पे प्राइवेसी होती है और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट होता है जिसमें पेशेंट आप खुद और अपने पार्टनर के साथ आ सकता है और बहुत ही फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर ये टेस्ट डिलीवर कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे सेंटर के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और इस हवाले से बहुत सारे जो रिजर्वेशंस होते हैं पेशेंट के, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट का वो रिजर्वेशन ना हो और वो बहुत ही एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हमें सैंपल दे और उस सैंपल के बेसिस पे हम अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं होगी हमारा ट्रीटमेंट कहीं पर भी रुक सकता है। अगर फीमेल जो है वो रिलेटिवली नॉर्मल है तो हमें मेल के सीमेन एनालिस के बेसिस के ऊपर अपना ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। तो जहाँ तक इनफर्टिलिटी के ताल्लुक है तो अब हमारी सोसाइटी में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हमने पहले एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को स्टार्ट किया और हमारे सेंटर से मेरे 2006 से कराची सेंटर के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ा मसला सिर्फ ये है कि जो टेबल के उस तरफ कपल बैठा हुआ होता है उसके जहन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, और चाहे अगर हम IVF, XC की कोई बात करते हैं
तो उसके जहन में होता है कि पता नहीं यार ये कौन सी एक मरीख की मखलूक है जो आके टेस्ट करेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हाउ यू जस्ट काउंसिल योर पेशेंट के यार ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, ऐसा होता है कि जी आपके स्पर्म्स हैं, एग्स हैं, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कपल्स के ऊपर, ताकि वो इस चीज को समझें कि ये इस्लामी तौर पे या सोसाइटी के तौर पे ये चीज एक काबले यानी इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये इलाज काबले इलाज जिसको कहना चाहिए कि काबले इलाज मर्ज है और इसको एक प्रॉपर तरीके से हम उसको अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट जो मैं कहता हूँ जो बैकबोन होती है आपकी किसी भी आईवीएफ सेंटर या आईवीएफ के लिए वो आपकी लैब भी बहुत होती है। तो आपकी लैब के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कि आज इस प्लेटफॉर्म पे जो कॉन्सेप्ट का प्लेटफॉर्म मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ फॉर द लास्ट 14-15 ईयर्स, मगर वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि हमारी जो लैब है उस लैब के अंदर जो भी इंटरनेशनल क्राइटेरिया है उसके हवाले से हम स्टेलाइजेशन रखें, जो रिएजेंट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो और सारी चीजें जो इससे रिलेटेड होती हैं उसको हम अप टू द मार्क रखें कि जो दुनिया में इस टाइम जो बेहतरीन सेंटर्स हैं जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम उस लेवल पे जाएं और उस तरीके से अपनी कोशिश करें। हकीकत है करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, मगर अल्लाह ताला भी फरमाता है कि कम अज कम अपने तरीके को, अपने रास्ते को और अपने तरीकाकार को उस तरह करो कि जिस तरह जो नॉलेज तुम्हें अता की गई है। तो इसके हवाले से हमें जो फैसिलिटेशन है जो हमारा पेरेंट सेंटर ऑस्ट्रेलिया पर्थ के अंदर है, तो वहां से भी हमें एडवांटेज मिल जाता है कि कोई भी हमें कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज जो हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है तो वहां से भी हमें इनपुट मिल सकती है और मिलती है, और हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली और गाय बगाए उन लोगों से अपनी इनपुट लेते रहते हैं ताकि हम अपनी चीजों को बेहतर करते रहें। और जिस तरह कहा जाता है कि सीखने का अमल कभी भी खत्म नहीं होता, इंसान सोचे कि मैं जो हूँ टॉप ऑफ द लाइन हूँ और मैं जो जी सारी चीजें कर रहा हूँ, तो इट इज नॉट लाइक दैट। तो आप किसी से भी कहीं पर भी कोई चीज आपको मशवरा करना चाहिए और मशवरे में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है तो इस मशवरे को आगे बढ़ना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि हमें हमारे पेरेंट सेंटर से बहुत ज्यादा जो है वो फैसिलिटेशन मिलती है और हम उसी को चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जो हमारा कपल एक नाउमीदी की सौर पे आया, और जिस तरह कहते हैं कि जी बच्चा दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, और एक बहुत ओल्ड सेइंग है कि एवरी वुमन इन दिस वर्ल्ड वांट्स हर चाइल्ड एट द कॉस्ट ऑफ हर ब्यूटी। तो जब वो इस इमोशंस के साथ आता है तो हमारी तरफ से कोशिश पूरी होती है कि हम उसको कम अज कम उसकी काउंसलिंग और वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें कि जो एक आम आदमी के दस्तरस पे हैं, और बेहतर और बेहतरीन जो है वो ट्रीटमेंट हम उसको प्रोवाइड कर सकें जो दुनिया में अवेलेबल है। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए मेरी तरफ से और इस सेंटर की तरफ से और इस प्लेटफॉर्म की तरफ से मेरे कलीग्स, मेरी सोसाइटी और सारे लोगों के लिए ये मैसेज ज़रूर है कि कोई भी प्रॉब्लम, जिस तरीके से हम सारे प्रॉब्लम्स के बारे में फिक्रमंद होते हैं, तो इस प्रॉब्लम को भी हमें फिक्रमंद होना चाहिए। हमें अपने स्पाउस या पार्टनर के साथ एक सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए, और मेल और फीमेल के अंदर ये जंग नहीं होनी चाहिए कि जनाब तुम्हारा प्रॉब्लम है या तुम्हारा प्रॉब्लम है। पूरे घर को उस पर इन्वॉल्व होके उस कपल को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आए बेहतर तरीके से उस जगह का तायुन करें कि जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और अपने इलाज की तरफ जाए और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी जो भी ख्वाहिशात हैं उसको पूरी करें। और इस सारे तरीक़ाकार से जो हम आईवीएफ, खैर उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा अभी फिलहाल, जो भी हम अगर पेशेंट जिसको आईवीएफ या एक्सी जिसको हम कहें या उर्फ़ियाम में बेबी टेस्ट ट्यूब कहें उसको अगर ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 40-45% चांसेस होते हैं कि उसका बच्चा हो जाए। जो प्रेगनेंसी होती है उसका रेट तो इससे ज्यादा होता है, मगर वो बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक परवान चढ़े इसके चांसेस, जिस तरह नॉर्मल दूसरी प्रेगनेंसीज में अबॉर्शंस होते हैं इस प्रोसीजर में भी होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट उसके अंदर बेहतर से बेहतर होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ये न्यू इन्वेंशन की वजह से। और हमारी लैब और जो हमें पेरेंट इंस्टीट्यूट से जो फीडबैक मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सक्सेस रेट है वो बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो आने वाला वक्त है वो हमें और मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।